बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं सेव बेसन के पकौड़े। इसके लिए हमने 200 ग्राम बेसन लिया है और इसमें पानी हमने डाल दिया है। ऐसे अच्छे से हम फेंट लेंगे कि ये फ्लफी हो जाए। खूब अच्छे से फेंटना है। ये देखिए, हमने अच्छे से बेसन को फेंट लिया है। अब हम इसमें दो प्याज हमने महीन चॉप करके रखी है, इसे डालेंगे। 7-8 हमने हरी मिर्च ली है, आप जितना तीखा खाएं उतना लीजिए। 1 मुट्ठी भर के हमने हरी धनिया कट करके ली है, इसे भी डाल देते हैं। और इधर हमने 1 टीस्पून सौंफ लिया है, 1 टीस्पून जीरा लिया है, अजवाइन हमने 1 टीस्पून लिया है, इसे भी डाल देंगे। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा सा आएगा। और अब हम इसमें रेड चिली पाउडर, चाट मसाला पाउडर 1 टीस्पून दोनों है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर है, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून धनिया का पाउडर है। ये सारी चीज़ें हम डाल देते हैं। और इधर हमने गरम तेल लिया है, इसमें हम हींग डालेंगे। अच्छे से घुमा के इसे डाल देंगे और सारी चीज़ों को हम फिर से मिक्स करेंगे। अभी से अच्छी सी खुशबू मसालों की आने लगी है हमारे पकौड़ों में। और अब हम इसमें नमक है सॉल्ट 2 टीस्पून हमने डाल दिया है, आप अपने अंदाज से जितना आप लेते हैं डालिए। और ये अब बाद में हम सेव मिलाएंगे, इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और इसे हम 10 मिनट के लिए रख देते हैं इसी तरह से। और इधर हमने कढ़ाई में ऑयल रख दिया है, फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है और ये ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम पकौड़ों को डाल देते हैं कढ़ाई में। अब मीडियम फ्लेम पर इसे हम फ्राई करेंगे। पकौड़े हमारे एक तरफ से सिक गए हैं, अब इन्हें हम पलट लेंगे। सारे इसी तरह से हम पलटते जाएंगे। अब ये देखिए, पकौड़े हमारे दोनों तरफ से अच्छे फ्राई हो गए हैं। ये देखिए, इसे हम निकाल लेंगे। अब ये हमारे बेहतरीन से सेव के पकौड़े रेडी हैं। साथ में हमने चटनी रखी है, किशमिश की चटनी है ये।
और ये देखिए देखिए अच्छे से ये पक गए हैं अंदर तक। अल्लाह हाफिज़।